ये पकड़ लिए। दोस्तों एक सर्प रेस्क्यू करने आए हैं, तो चलिए देखते हैं कौन सा सर्प है, फिर हम आगे की वीडियो के जरिए आपको जानकारी देंगे कि कौन सा सर्प है। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ, तो चलिए रेस्क्यू करते हैं। अंदर से ले ना, पांच चढ़ दिया ना साला। वाटी का आलम हुआ है, लपका था ज्यादा होकर निकल रहा है वहां पेट देखा तो मौका बहु निकल रहा है। अरे दिखात है कहाँ थे, इनसे मुड़ो रही है इनसे गगन कर गगन अरे है इस तरफ है नीचे घी का मूड़ी है, कहाँ है यहाँ छोड़ गगन ना छोड़े ना छोड़े मारा बस वीडियो बना रहे हमरे के बना अच्छे से बना बस तुम ना बोले ठीक है डरान है यार कुछ ना हो कहाँ चल रही है और थोड़ी पूछी घी का ऊपर का तो मूड़ी आ गई। अरे भाई पकड़ ले हैं पकड़ लिए दोस्तों ये इसे हमने रेस्क्यू कर लिया है। ये रैट स्नैक है, ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है। गाँव में अंधविश्वास है कि इसे लोग बात गलत समझ के मार देते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें। आप हमारे नीचे नंबर पर कॉल करके आप हमें बुला लें तो आप देख सकते हैं इसकी पहचान। कहते हैं इसकी इसकी पूंछी पे जहर होता है, बिल्कुल भी मिथ्या है, इसमें कोई जहर नहीं होता। आप देख सकते हैं इससे कुछ नहीं होता है। तो आप इसकी लंबाई देख सकते हैं, कम से कम 12 से 13 फीट तक लंबा हो सकता है। दोस्तों यहाँ पास भूसा रखा है जिसके कारण चूहों की होने की संभावना है। इसी कारण यह आया हुआ था, ये चूहा इसका पसंदीदा भोजन है। तो आप देख सकते हैं कितना लंबा होता है। तो चलिए हम इसे नीचे की तरफ ले चलते हैं। सीढ़ियाँ नहीं है, आप देख सकते हैं इसकी पहचान। ये बहुत लंबा, काफ़ी बिग साइज का है, काफ़ी बिग साइज का ये सर्प है। आप देख सकते हैं कितना मोटा है। तो
टोक देगा ना। तो आप देख सकते हैं कितना मोटा सर्प होता है, ये कितना काफी लंबा है, आप देख सकते हैं इसकी पकड़, आप देख सकते हैं इसकी पकड़ काफी बहुत मजबूत होती है। आप देख सकते हैं इसकी पकड़ इस तरह, आप देख सकते हैं इतना लंबा सर्प है। नेक्स्ट स्नैक करते हैं, कहते हैं महाराष्ट्र में इसे धामर सांप बोलते हैं और हमारे यहाँ इसे सड़िया बोला जाता है। ये बिल्कुल भी जहर नहीं होता है, कहते हैं इसकी पूछ में जहर होता है तो पीठ में बिल्कुल जहर नहीं होता है, ये सब अंधविश्वास है। और इसके 1% भी जहर नहीं होता है, इसके काटने से कुछ होता नहीं है, बस इसका इतना बड़ा साइज होता है कि इसकी साइज देखकर लोग डर जाते हैं और इसे मार देते हैं। तो आप इसे मारी नहीं, हमारे नीचे जिसका नंबर दिया हुआ आप वहाँ कॉल कर सकते हैं, मैं लोगों को छोड़कर जंगल में छोड़ देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी लंबाई, ये कम से कम 13 से 14 फीट तक बढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं इसकी लंबाई काफी लंबा साइज है। तो चलिए हम इसे पैक करके अभी जंगल की तरफ छोड़ देंगे, चलिए इसे पैक करते हैं। अब पैक कर भाई का। अरे राम छोड़ दो, किनारे हो ना, अरे यार निकाल निकाल। हां तो चलिए दोस्तों हम इसे पैक करके जंगल की तरफ छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये जंगल है इस तरफ, हम इसे अभी छोड़ देंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। देख सकते हैं ये रेड स्नैक है जैसे मैंने आपको बताया वीडियो में, और ये बिल्कुल भी जहर नहीं होता है। तो इस तरह जंगल है, ये काफ़ी आक्रामक लग रहा है अभी। तो जब भी आक्रामक होता है तो ये जिसका मुंह है तो फुला लेता है। तो आप देख सकते हैं इसकी लंबाई भी मैंने आपको बताया, ये कम से कम 13 से 14 फीट तक बढ़ सकते हैं, ये काफ़ी मोटा भी है, लगता है कुछ खाया है, जो कि मैंने बताया ये भूसा में निकला था जहाँ चूहे पाए जाते हैं, और इसका पसंदीदा भोजन चूहा ही है। तो चलिए हम इसे अभी जंगल की तरफ छोड़ देते हैं, तो अब बने रहिए वीडियो के साथ। लंबा है आप देख सकते हैं, तो ये पर्यावरण में रिलीज हो गया। तो अब मेरे चैनल गग्गू सर में सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए।